हेलो दोस्तों, मैं इश्तियाक हुसैन श्रीराम कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने मानव रोग चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और इसके अंदर हमारी दो क्लासेस हो चुकी थी। मानव रोग में हम क्या पढ़ रहे थे? मानव रोग में हमने पढ़ा कि रोग क्या होता है, इसको कितनी कैटेगरी में बांटते हैं, क्या जन्मजात रोग होते हैं, क्या उपार्जित रोग होते हैं। फिर उपार्जित रोगों को हमने दो कैटेगरी में बांट दिया, क्या संक्रामक रोग होते हैं, क्या असंक्रामक रोग होते हैं। असंक्रामक रोगों के नाम पढ़ लिए, उसके बाद संक्रामक रोगों की जानकारी शुरू कर दी। संक्रामक क्या होते हैं? जो फैलने वाले रोग होते हैं। और क्या कौन कौन से कैटेगरी में इनको बांटा? विषाणु जनित, जीवाणु जनित, कवक जनित, प्रोटोजोआ जनित और कृमि जनित। अब देखना, हम अलग अलग कैटेगरी को डे बाय डे पढ़ते जा रहे थे। तो हमने सबसे पहले विषाणु जनित रोग पढ़ लिए थे। विषाणु जनित रोगों को याद रखने की ट्रिक क्या थी? परी एमडीएच मसाले सी, और यहाँ से हमने सारे विषाणु जनित रोग याद कर लिए थे। इसके बाद अगली क्लास में हमने जीवाणु जनित रोगों को भी अच्छे से पढ़ लिया था। और जीवाणु जनित रोगों को याद रखने की ट्रिक क्या बताई थी हमने? जीवाणु जनित रोगों को याद रखने की ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक थी न्यू टाई काली है पर टी टेबल डार्क ब्लैक। अब जिन लोगों ने पिछले के दो वीडियो नहीं देखे, वो आई बटन पर क्लिक करके हमारे पिछले जीव विज्ञान की मानव रोग के दोनों वीडियो देख ले, ताकि चैप्टर अच्छे से आपको समझ में आ जाए। अगर आपको ये ट्रिक्स अच्छी लग रही है, क्लासेस अच्छी लग रही है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आज शुरू करते हैं आज चैप्टर की तीसरी क्लास। आज हमको पढ़ना है प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, यानी कि प्रोटोजोअन डिजीज। देखना बच्चों, बड़ा ही प्यारा टॉपिक है प्रोटोजोअन डिजीज। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है, जैसे मैं बताऊंगा आपको सोचोगे तो हमारा फेस किया हुआ क्वेश्चन है ना। प्रोटोजोअन डिजीज क्या होते हैं? ऐसे रोग जो प्रोटोजोआ की वजह से होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? प्रोटोजोअन डिजीज बोलते हैं। तो देखना, हम जैसे दो रोगों की ट्रिक पढ़ चुके थे, अब इसकी भी हम क्या पढ़ेंगे? ट्रिक पढ़ेंगे। तो क्या ट्रिक होगी इसकी? इसकी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको ट्रिक याद रखनी है पीएम अफ्रीका का। क्या ट्रिक याद रखनी है आपको प्रोटोजोअन डिजीज की पीएम अफ्रीका का? देखो बहुत ही सिंपल है, विषाणु से होने वाली बीमारियां परी एमडीएच मसाला सी। जीवाणुओं से होने वाली बीमारियां क्या नाम? न्यू टाई काली है पर टी टेबल के साथ डार्क ब्लैक, सारी जीवाणु की बीमारियां होगी। अब पढ़ रहे हैं प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां, तो क्या ट्रिक याद रखनी है? पीएम अफ्रीका का, बहुत ईजी है। चलो पढ़ लेते हैं क्या है ये पीएम अफ्रीका का। पीएम अफ्रीका से पी से आपको याद रखना है पाइरिया। क्या याद रखना है? पाइरिया। पाइरिया एक ऐसा रोग है जो प्रोटोजोआ की वजह से होता है। और पूछा जाए कौन से प्रोटोजोआ की वजह से होता है पाइरिया, तो ये होता है एंट अमीबा जिंजीवेलिस। किसकी वजह से होता है? एंट अमीबा जिंजीवेलिस। अब आप सोचोगे भाई ये पाइरिया क्या है, सुना सुना तो लग रहा है पर याद नहीं आ रहा क्या है। देखना, आपने अगर टीवी वगैरह आप देखते हो, इसके शौकीन हो, तो बार बार ऐड आता है बीच में, क्या आपके दांत में तकलीफ है, मसूड़ों में दर्द है, नमक है टूथपेस्ट में, वो वाला। तो उसमें गम ब्लीडिंग दिखाई जाती है, यानी उनके दांत से मसूड़ों से खून निकलते हैं। तो पाइरिया एक्चुअल में क्या होता है? ये होता है गम ब्लीडिंग। क्या होता है? गम ब्लीडिंग, यानी कि मसूड़ों से खून निकलना। गम ब्लीडिंग, मसूड़ों से खून निकलना। तो जो मसूड़ों से खून निकलते हैं उसी को अपन क्या कहते हैं? पाइरिया, गम ब्लीडिंग। अच्छा, ये किसकी वजह से होता है? ये होता है एंट अमीबा जिंजीवेलिस की वजह से। तो आप सोच सकते हो एंट अमीबा जिंजीवेलिस कहाँ पर रहता होगा? एंट अमीबा जिंजीवेलिस अगर ये मुख के अंदर, मसूड़ों के अंदर आपको बीमारी तकलीफ पहुंचा रहा है, यहाँ पर कोई बीमारी कर रहा है, तो इसका मतलब यकीनन ये मुंह में रहता होता है। तो ये मुख परजीवी है। कैसा परजीवी? मुख परजीवी। ये एक तरह का मुख परजीवी है जो किसके अंदर रहता है? मुख के अंदर। और जिनके मसूड़ों में, दांतों में ये होता है, उनके मसूड़ों से क्या होता है? खून निकलता है, दांतों में दर्द होता है। ऐसी सेम कंडीशन आपको और किसमें दिखाई देती है? विटामिन सी की कमी से एक रोग होता है स्कर्वी, सुना होगा आपने, उसमें भी ऐसी कंडीशन होती है। तो वो तो विटामिन की कमी से हो रहा था, तो स्कर्वी कैसा है? असंक्रामक रोग है। लेकिन पाइरिया बोल दिया जाए तो पाइरिया कैसा रोग है? संक्रामक रोग है। अब पाइरिया हो रहा है एंट अमीबा जिंजीवेलिस से, चलो समझ में आ रहा है संक्रामक है। अब ये फैलता कैसे? कैसे एक आदमी को पाइरिया हो रहा है तो उससे दूसरे को हो जाता है? तो देखना कैसे होता है, संक्रमित भोजन से। संक्रमित भोजन कैसे? जैसे एक खा रहा है, इसको मान लो पाइरिया हो रखा है और इसी का झूठा सामने वाला खा रहा है, तो यहाँ से जो है एंट अमीबा जिंजीवेलिस उसका पहुंच जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि झूठा खाने से पाइरिया हो जाता है ना। आप बोलते हैं झूठा खाना चाहिए, झूठा खाने से प्यार बढ़ता है। भाई आप प्यार नहीं बढ़ता, पाइरिया बढ़ता है, ध्यान रखना, पाइरिया भी बढ़ सकता है ना। और किससे होता है ये पाइरिया? और ये पाइरिया फैलता है माउथ किसिंग से, यानी लिप टू लिप किसिंग होती है ना, उसमें भी ये एंट अमीबा जिंजीवेलिस का आदान प्रदान हो जाता है। तो पाइरिया घातक रोग है, इससे मुंह में बदबू आती है और मसूड़ों में जो है ब्लीडिंग होती है, खून निकलता है, घातक रोग है। तो इससे बचना चाहिए। और इससे बचा कैसे जाए? कि झूठा जो है, जिसको आपको पता है कि जिसको संक्रमण हो रखा है तो उसका झूठा नहीं खाना चाहिए, और वगैरह आप खुद ही समझ आ रहे हो। आगे अपन बात करते हैं एम फॉर मलेरिया। एम से आपको क्या याद रखना है? मलेरिया। अब ये मलेरिया किससे होता है? मलेरिया बचपन से ही जान रहे हो किससे होता है? प्लाज्मोडियम से होता है। अरे तो छोटी क्लासों में आपको पता होगा, छोटी क्लासों में सिखा दिया होगा भैया जी, मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है। ओके, नेक्स्ट अफ्रीका।
तीसरी ट्रिक क्या है, अफ्रीका, अफ्रीका से आपको याद रखना है अफ्रीकन निंद्रा या स्लीपिंग सिकनेस, जिसको आप बोलते हो सोने की बीमारी, अफ्रीकन निंद्रा, स्लीपिंग सिकनेस या सोने की बीमारी। ये किसकी वजह से होती है, ये होती है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस नाम का प्रोटोजोआ होता है उसकी वजह से बीमारी होती है। अब क्या होती है अफ्रीकन निंद्रा, सामान्य सी बात है अफ्रीकन निंद्रा तो मतलब सोने की बीमारी होगी, तो इसमें क्या होता है आलस आ जाता है बार बार, बहुत आलसीपन हो जाता है और नींद बहुत ज्यादा आती है, इसमें शरीर का जो वजन होता है ये कम हो जाता है, कमजोरी आने लगती है, तो ये अफ्रीकन निंद्रा के लक्षण है। ओके, आलसी हो जाता है आदमी, कैसा हो जाता है आलसी। और यहाँ पर अफ्रीकन निंद्रा के बारे में ये बहुत बार पूछा गया कि अफ्रीकन निंद्रा किससे होता है, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस से। इससे भी ज्यादा बार एक और क्वेश्चन पूछा गया, अफ्रीकन निंद्रा इसका वाहक कौन होता है, यानी किसकी वजह से फैलता है अफ्रीकन निंद्रा। तो दोस्तों याद रखना अफ्रीकन निंद्रा इसका वाहक जो होता है सी सी मक्खी, अफ्रीकन निंद्रा कौन होता है इसका वाहक, सी सी मक्खी या सी सी फ्लाई, इंग्लिश में लिख देता हूँ, चलो सी सी फ्लाई। देखो दोस्तों ये टसी टसी नहीं है, ये सी सी पढ़ते इसको, सी सी मक्खी है, सी सी फ्लाई, तो सी सी फ्लाई जो होती है ये इसकी वाहक होती है। अच्छा फिर इसका इलाज कैसे करते हैं, तो इसमें अपन क्या करते हैं मेट्रानिराजोल टिंडाजोल इस तरह से देते हैं, उससे वो ठीक हो जाता है। ये हो गया आपका अफ्रीकन निंद्रा। और आगे बढ़ जाओ के से आपको याद रखना है काला अजार, कौन सी बीमारी, काला अजार जिसको दम दम ज्वर भी बोलते हैं, काला अजार या दम दम ज्वर। अब ये काला अजार किसकी वजह से होता है, ये होता है लिशमानिया डोनोवनी की वजह से, किसकी वजह से, लिशमानिया डोनोवनी। अच्छा देखना लिशमानिया डोनोवनी की जैसे काला अजार हो रहा है, अब इस पे भी क्वेश्चन आता है कि ये फैलता किसकी वजह से, तो ध्यान रखना इसका वाहक कौन होता है काला अजार का, तो काला अजार के लिए आपको वाहक याद रखना है इसके लिए सैंड फ्लाई यानी मृदा मक्खी, मृदा मक्खी है जिसको बालू मक्खी भी बोलते हैं, बालू मक्खी या सैंड फ्लाई जो होती है ये इसकी वाहक होती है। ओके तो याद रखना अफ्रीकन निंद्रा वाहक कौन है, सीसी मक्खी, और काला अजार या दमदम ज्वर इसका वाहक कौन है, इसका वाहक है मृदा मक्खी या बालू मक्खी या सैंड फ्लाई। ओके क्या होता है अफ्रीका इसमें काला अजार रोग में, काला अजार रोग में जो होता है आपका स्प्लीन और आपका लीवर जो होता है ये साइज में बढ़ जाते हैं, यानी इनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन हो जाती है, साइज में आकार में बढ़ जाते हैं। इस स्थिति को बोला जाता है हिपेटोस्प्लीनोमेगेली, क्या बोला जाता है हिपेटोस्प्लीनोमेगेली, हिपेटोस्प्लीनोमेगेली। अब ये हिपेटोस्प्लीनोमेगेली क्या मतलब होता है, हिपेटो, हिपेटो का मतलब होता है लीवर यानी कि यकृत, स्प्लीनो, स्प्लीनो का मतलब होता है स्प्लीन यानी कि प्लीहा, स्प्लीन किसको बोलते हैं आपके, प्लीहा को बोलते हैं। तो हिपेटो स्प्लीनो मेगेली, मेगेली का मतलब इनका आकार कैसा हो जाता है, इनका आकार बढ़ जाता है, कंप्यूटर में होते इनका आकार बढ़ जाता है, हाँ इनका आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो हिपेटो स्प्लीनो मेगेली ये किसमें हो जाता है, ये आपका काला अजार के अंदर हो जाता है। अच्छा और देखना इसमें क्या होता है, शरीर के अंदर पिगमेंट्स बढ़ जाते हैं, तो पिगमेंट्स बढ़ने की वजह से काला हो जाता है, त्वचा कैसी हो जाती, काली पड़ जाती है, और विशेष रूप से पैर की त्वचा भी कैसी हो जाती, काली पड़ जाती है ना। ये हो गया भैया जी आपके प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। और थोड़ा आगे चलें, ए, ए से आपको याद रखना है अमीबीता, क्या याद रखना है अमीबीता, अमीबीता, इस अमीबीता को अमीबी पेचिस भी कहते हैं, इसको अतिसार भी कहते हैं, और ये किसकी वजह से होती है, ये होता है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका की वजह से, किसकी वजह से, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका की वजह से। यह एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका कहाँ से आता है, तो दूषित जल या दूषित भोजन का प्रयोग किया जाता है, तो दूषित जल के अंदर यह एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका आता है और पीने के जरिए हमारे आंतों में पहुंच जाता है, और एक बार जब ये आंतों में पहुंच गया तो फिर उदरीय पीड़ा होगी यानी पेट में दर्द होगा, आंतों में मरोड़े लगेंगे और लूज मोशन हो जाएगी है ना, दस्त लग जाएगी, बहुत बार डिसेंट्री यानी कुनी दस्त भी लग जाता है ना, तो इसमें क्या होता है शरीर के अंदर फिर जल की कमी होने लग जाती है, तो ये अमीबीता अमीबी पेचिस या अतिसार बोल दो किसकी वजह से होता है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका की वजह से, और दूषित जल के प्रयोग से विशेष रूप से बीमारी हो रही है। अब देखना ये दूषित जल की वजह से हो रही है इसका वाहक कौन है, तो इसका जो वाहक है इसका वाहक कौन हो सकता है, एंट अमीबा का घरेलू मक्खी, जो घर में होती है ना मक्खी, मस्का डोमेस्टिका, कल भी बताया था घरेलू मक्खी कल जीवाणु में भी एक बीमारी फैला रही थी, कौन सी बताई थी, हालांकि बहुत सी बीमारियां फैला रही थी लेकिन मैंने विशेष रूप से बताई थी हैजा, हैजा भी मक्खियां फैलाती है, इसी तरह से एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका को भी जो फैलाने का काम है ये कौन कर रही है, ये घरेलू मक्खी कर रही है। इसमें क्या किया जाए, फिर इसमें आप मेट्रानिडाजोल टिंडाजोल दे सकते हैं, ORS का प्रयोग कर सकते हैं अगर जल की ज्यादा कमी होगी तो। तो ये हो गए आपके तीन चार पांच रोग हो गए। अब आप सोचोगे भैया जी पायरिया बता दिया, अफ्रीकन निंद्रा बता दिया, काला अजार बता दिया, और ये अमीबीता भी बता दिया, लेकिन कहीं पर भी मलेरिया का जिक्र नहीं किया, जबकि आप तो मलेरिया के बारे में बहुत कुछ जान रहे हो, इसका भी तो वाहक होता है, कौन होता है, क्या होता है, नहीं होता है, तो इसका मतलब मलेरिया की बात क्यों नहीं की, मलेरिया की बात इसलिए नहीं की क्योंकि मलेरिया हमें डिटेल से पढ़ना है, तो इसको हम आगे डिटेल से पढ़ रहे हैं। अब
इससे पहले अपन पुराना रिवाइज कर लेते हैं, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग क्या ट्रिक याद रखेंगे, पीएम अफ्रीका का पी फॉर पायरिया, पायरिया किससे होता है, एंटमीबा जिंजिवेलिस की वजह से। अच्छा ये पायरिया एंटमीबा जिंजिवेलिस की वजह से तो होता है क्या, ये गम ब्लीडिंग होती है, मसूड़ों में खून आना, और ये फैलता है किसकी वजह से, आप अच्छे से जान रहे हो किसकी वजह से फैल रहा है, ये दूषित भोजन संक्रमित भोजन के प्रयोग से, मतलब जूठा खाने की वजह से एक दूसरे का, और दूसरा माउथ किसिंग की वजह से। ओके हाँ, मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, अफ्रीकन निद्रा किसकी वजह से होता है, ये आपका ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस की वजह से होता है। याद रखने की ट्रिक भी बता रहा हूँ, सुनना, आपको कल को एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपको डाउट किस में आएगा, प्लाज्मोडियम तो आपको वैसे याद रहेगा, अमीबा वाले दोनों याद रहेंगे, लेकिन आपको कन्फ्यूजन आएगा अफ्रीकन निंद्रा और काला आजार में, तो कैसे याद रखना है, अफ्रीकन निंद्रा, निंद्रा का मतलब सोने वाली बीमारी, सोने वाली बीमारी किसकी वजह से, ट्रिपेनोसोमा, सोमा, सोमा शब्द से आपको याद रखना है सोना, यानी सोने की बीमारी सोमा वाले की वजह से हो रही है, याद रख लोगे। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ, काला आजार या जिसको दमदम ज्वर बोलते हैं, इसमें बुखार भी आ जाता है, लिशमानिया दोनों होने की वजह से होती है। अच्छा काला आजार फैलता किसकी वजह से, तो काला आजार फैलता किसकी वजह से, ये जो है मृदा मक्खी बालू मक्खी की वजह से फैलता है, और अगर बोला जाए कि अफ्रीकन निंद्रा किसकी वजह से फैलता है, तो ये सीसी मक्खी की वजह से फैलता है। इसके बाद नेक्स्ट अमीबिता एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका की वजह से होता है, घरेलू मक्खी इसको फैलाती है। अच्छा प्रोटोजोअन डिजीज में विशेष रूप से क्या देते हैं, मेटरनिडाजोल एंड इंडाजोल। अब हमको बात करनी है मलेरिया की, क्या होता है मलेरिया, कैसे होता है मलेरिया। ओके तो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं मलेरिया। सबसे पहली बात, मलेरिया इसकी खोज किसने की, मलेरिया के बारे में किसने बताया, तो इसकी खोज किसने की, रोनाल्ड रोस ने की, मलेरिया की खोज किसने की, रोनाल्ड रोस ने। एक और क्वेश्चन, मलेरिया दिवस, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, विश्व मलेरिया दिवस जो है वो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके इसके बाद बात करते हैं मलेरिया का कारक क्या होता है, तो अभी आपने बताया मलेरिया का कारक क्या होता है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम मलेरिया का कारक होता है। अब आप ध्यान रखना, प्लाज्मोडियम तो मलेरिया का कारक है, अब प्लाज्मोडियम के एक ही है क्या, नहीं, प्लाज्मोडियम तो प्रोटोजोआ की एक प्रजाति, इसमें बहुत सारे प्लाज्मोडियम तो प्रोटोजोआ का कौन से, इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे देखना प्लाज्मोडियम कौन कौन से हो सकते हैं, प्लाज्मोडियम चार तरह के विशेष रूप से मलेरिया को फैलाने के लिए जिम्मेदार है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, सबसे पहला कौन सा, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, दूसरा प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, और प्लाज्मोडियम ओवेले, प्लाज्मोडियम ओवेले जिसको बोल दो, तो चार तरह के हो गए, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम मलेरियाई, चार प्लाज्मोडियम हो गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे घातक कौन सा होता है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम सबसे घातक प्रकार का मलेरिया करता है, ये कैसा होता है, घातक होता है। अब दिमाग में सवाल आया, अगर ये घातक है तो ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम घातक क्यों है, तो ये घातक इस वजह से है क्योंकि ये मेनिंजाइटिस कर देता है, क्या कर देता है, मेनिंजाइटिस। अब ये मेनिंजाइटिस क्या बीमारी होती है, ये कौन सी बला आ गई, तो सुनना, हमारा ब्रेन है जैसे मस्तिष्क, तो अगर आप इस मस्तिष्क को यहाँ से बाल है, बाल को हटाओ, त्वचा आएगी, फेशिया वगैरह सबको हटाओगे, हड्डी आएगी, हड्डियों को हटाओगे, तो जो हमारा मस्तिष्क सीधा हड्डियों के नीचे नहीं है, हड्डियों के और मस्तिष्क के बीच में तीन परतें पाई जाती है मस्तिष्क की, कितनी परतें पाई जाती है, तीन, जिनको मस्तिष्क की झिल्लियाँ बोलते हैं, और इन तीन परतों के नाम क्या होते हैं, पाया मेटर, अरेक्नोइड और ड्यूरामेटर, तीन परतें पाई जाती है हमारे ब्रेन के ऊपर, तो इन तीन परतों को मस्तिष्क की झिल्लियाँ या इनको मेनिंजिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेनिंजिस, मेनिंजिस। ओके तो मेनिंजिस होती है, हमारे ब्रेन के ऊपर झिल्लियां होती है मेनिंजिस, इन मेनिंजिस में सूजन आ जाती है, इन मेनिंजिस में क्या हो जाती है, सूजन। तो देखना साइंस के अंदर, अगर आप बायोलॉजी के अंदर किसी भी चीज में आपको सूजन दिखाई दे रही है, इंफ्लेमेशन दिखाई दे रहा है, तो उसमें आइटिस शब्द का प्रयोग कर देते हैं, जैसे मान लो टॉन्सिल्स है, टॉन्सिल्स में सूजन आ जाए तो टॉन्सिलाइटिस, अपेंडिक्स में सूजन आ जाए तो अपेंडिक्टाइटिस, इसी तरह से मेनिंजिस में सूजन आ जाए तो क्या बोलेंगे, मेनिंजाइटिस, तो इसमें क्या हो जाता है, मेनिंजाइटिस हो जाता है, मेनिंजाइटिस बोले तो मस्तिष्क की झिल्लियों में सूजन, तो ये क्या है, मस्तिष्क की झिल्लियों में सूजन हो जाता है, मस्तिष्क की झिल्लियों में सूजन, झिल्लियों में सूजन, इस वजह से घातक होता है। तो आपको पता चल गया घातक क्यों है, क्योंकि ये मेनिंजाइटिस करता है, मस्तिष्क की झिल्लियों में सूजन करता है। अब मस्तिष्क झिल्लियों में इन्फ्लामेशन होगा, सूजन होगा, तो हमारा टेम्परेचर भी तो हाई होगा, तो सर गर्म हो जाता है, कहने का मतलब इसमें हेड फीवर हो जाता है, क्या हो जाता है, हेड फीवर, हेड फीवर यानी सिर गर्म हो जाता है। तो आपको याद रखना है सबसे घातक कौन सा है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, और ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम घातक क्यों है, क्योंकि इसकी वजह से मेनिंजाइटिस होता है, मेनिंजाइटिस का मतलब क्या है, मस्तिष्क की झिल्लियों में सूजन आ जाने, तो ये मेनिंजाइटिस है। ओके इतना याद रख लोगे आप, आगे बढ़ते हैं प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम की मैंने आपको कितनी प्रजाति बता दी, चार प्रजाति, और चारों तरह से होने वाला मलेरिया अलग अलग है, और सबसे घातक कौन सा है, फैल्सीपेरम का। प्लाज्मोडियम की अगर बात करें तो ये प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है ये द्विपोषदीय प्रोटोजोआ है, कैसा है, ये द्विपोषदीय। अब ये द्विपोषदीय का क्या मतलब होता है, द्विपोषदीय का मतलब जो एक के पास न रहे दो के पास रहे, प्रोटोजोआ की बात कर रहा हूं,
एक पोषक के पास न रहे बल्कि दो पोषकों के पास रहे, अपना जीवन चक्र दो पोषकों के अंदर पूरा करे, उसको अपन क्या बोलते हैं, द्विपोषकीय। तो ये दो पोषक कौन से होते हैं, जिसके पास पहले रहता है, पहले जाता है, उसको बोलते हैं प्राथमिक पोषक। क्या बोलते हैं उसको, प्राथमिक पोषक। और जब इससे इसका जी भर जाता है, कहने का मतलब यहां से इसका टाइम पीरियड यहां पर पूरा होने के बाद जब दूसरे पोषक में जाता है तो इसको बोलते हैं द्वितीयक पोषक। क्या बोलते हैं, द्वितीयक पोषक। तो प्लाज्मोडियम जो होता है कैसा होता है, द्विपोषकीय। इसमें एक प्राथमिक पोषक होता है और एक द्वितीयक पोषक होता है, जिसके पास पहले गया वो प्राथमिक पोषक, जिसके पास बाद में गया वो द्वितीयक पोषक। प्राथमिक पोषक जो होता है कौन होता है, मनुष्य। आपको पता है ना मलेरिया किसको हो रहा है, मनुष्य को हो रहा है ना, तो पहले किसके पास, मनुष्य के पास। तो जब ये प्लाज्मोडियम मनुष्य के पास होता है तब ये मनुष्य इसका प्राथमिक पोषक होता है, यानी इससे पोषण प्राप्त करता है प्लाज्मोडियम, किससे, मनुष्य से। तो ये इसका प्राथमिक पोषक हो गया। अब आप सोच सकते हो इसका द्वितीयक पोषक कौन होगा, प्लाज्मोडियम किसके पास जाएगा, मनुष्य से। तो इसका द्वितीयक पोषक जो होता है ये मादा एनाफिलीज मच्छर, कौन होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर, क्योंकि मनुष्य को कौन काटता है, मच्छर। ये मच्छर ही वाहक है, क्या है ये, वाहक, यानी कि इस रोग को फैलाने का काम कौन कर रही है, ये मच्छर कर रही है ना, मादा मच्छर। ध्यान रखना है बीमारी फैला कौन रहा है, मादा मच्छर, नर मच्छर नहीं है। आपको अगर ऑप्शन दिखाई दे निम्न में से किसकी वजह से मलेरिया फैलता है, आपको ऑप्शन नंबर एक मादा एडीज मच्छर, ऑप्शन नंबर बी नर एडीज मच्छर, ऑप्शन नंबर सी मादा एनाफिलीज मच्छर, ऑप्शन नंबर डी नर एनाफिलीज मच्छर। तो नर एनाफिलीज मलेरिया नहीं फैलाते हैं, मादा एनाफिलीज फैलाती है। ध्यान रखना बीमारियां मादा ही फैला रही है, मच्छरों की बात कर रहा हूँ, मादा ही फैला रही है, क्योंकि नर काटते नहीं है, मादा मच्छर ही काटती है। ओके, हाँ, इसके बाद अपन बात करते हैं मनुष्य जो है इसका प्राथमिक पोषक है। ये जो मच्छर होता है, ये जो प्लाज्मोडियम होता है, ये मनुष्य के अंदर अलैंगिक जनन करता है। कैसा जनन, अलैंगिक जनन। और ये जो अलैंगिक जनन मनुष्य के अंदर करता है, इसके बाद कहाँ चला जाता है, मच्छर के अंदर। और मच्छर के अंदर कैसा जनन करता है, ये लैंगिक जनन। तो आपको यहां से बस इतना याद रखना है, क्या, प्लाज्मोडियम द्विपोषकीय जीव है। कैसा जीव, द्विपोषकीय। द्विपोषकीय बोले तो जो दो पोषकों के अंदर अपना जीवन चक्र पूर्ण करता है। प्राथमिक पोषक इसका कौन होता है, इसका प्राथमिक पोषक मनुष्य होता है। इसका द्वितीयक पोषक कौन होता है, इसका द्वितीयक पोषक मादा एनाफिलीज मच्छर होता है, और यही इसके अंदर वाहक का काम करता है। ओके, तो मलेरिया का वाहक क्वेश्चन आ जाए, मलेरिया का वाहक कौन होता है, तो आंसर क्या जाएगा, मादा एनाफिलीज मच्छर। इसके बाद पूछा जाए प्राथमिक पोषक या फिर मनुष्य के अंदर किस प्रकार का जनन करता है प्लाज्मोडियम, तो मनुष्यों के अंदर प्लाज्मोडियम अलैंगिक जनन करता है। और द्वितीय पोषक या मच्छर के अंदर किस प्रकार का जनन करता है प्लाज्मोडियम, तो आपको बताना उसके अंदर आप कौन सा करता है, लैंगिक जनन। अब ये सवाल दिमाग में घूम रहे, क्या प्राथमिक पोषक, क्या द्वितीय पोषक, क्या लैंगिक अलैंगिक, ये क्या चल रहा है। तो इसको अपन डिटेल से समझते हैं, कैसे, अपन जीवन चक्र पढ़ते हैं। किसका जीवन चक्र, मच्छर का, नहीं भैया प्लाज्मोडियम का। अरे द्विपोषकीय मच्छर है कि प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम है। तो अपन प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र अब पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र, कैसे प्लाज्मोडियम कहां से कहां तक आया। देखना, एक मादा है मच्छर, मादा, मादा एनाफिलीज मच्छर। कौन सी मादा है, ये मादा एनाफिलीज मच्छर, ये एना लिख रहा हूं, एना का मतलब क्या, एनाफिलीज मच्छर। ये मादा एनाफिलीज मच्छर है, जिस मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद हो वो मच्छर संक्रमित है, यानी उसको मलेरिया हो रखा है ना, तो ये संक्रमित मादा एनाफिलीज, इसके अंदर प्लाज्मोडियम अगर मौजूद है तो कैसी बोलेंगे, संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर, यानी इसके अंदर क्या मौजूद है, प्लाज्मोडियम मौजूद है। अब ये संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर क्या करती है, किसी भोले भाले स्वस्थ मनुष्य के पास जाती है और उस स्वस्थ मनुष्य को जाकर ये काट लेती है, यानी बाइटिंग। स्वस्थ मनुष्य को इसने क्या कर दिया, काट दिया, ये बाइटिंग लिखा है ना, स्वस्थ मनुष्य को इस मच्छर ने काट दिया। तो अब मच्छर ने किसको काटा, स्वस्थ मनुष्य को। मच्छर कैसी थी, बीमार थी, ये मादा बीमार थी क्योंकि इसके अंदर प्लाज्मोडियम था। तो ये जो प्लाज्मोडियम का जो ये प्लाज्मोडियम है ना, ये प्लाज्मोडियम कहाँ पर चला जाएगा, मच्छर जो प्लाज्मोडियम मच्छर से इंसान के खून में चला जाएगा, यानी मनुष्य के रक्त में। कहाँ पर आ गए, मनुष्य के रक्त में, मनुष्य के रक्त में पहुंच गया। अब जब ये प्लाज्मोडियम मनुष्य के रक्त में पहुंचा तो रक्त में तो हमेशा ही थोड़ी रहेगा, रक्त से आगे भी तो कहीं कहीं जाएगा। जब ये मनुष्य के रक्त में होता है उस समय प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था पहुंची, तो प्लाज्मोडियम की अलग अलग अवस्था होती है, इसमें स्पोरोजोइट अवस्था पहुंचती है। कौन सी, स्पोरोजोइट अवस्था। अब आप सोचोगे स्पोरोजोइट क्या बीमारी आ गई, तो देखना जैसे मैं बोल दूं मैं मनुष्य हूं तो मैं अपने पूरे जीवन काल में एक ही जैसा रहूंगा क्या, नहीं, मेरी शैशवावस्था भी होगी, बाल्यावस्था भी होगी, युवावस्था भी होगी, वृद्धावस्था भी होगी, अलग अलग अवस्था होती है ना। तो ये जो प्लाज्मोडियम है इसकी भी अलग अलग अवस्थाएं होती है। और जो हमारे शरीर में सबसे पहले संक्रमण कर रहा है, ये संक्रामक अवस्था कौन सी होती है, इसकी स्पोरोजोइट, अभी पप्पू है, बच्चा है, स्पोरोजोइट अवस्था। ये कैसी है, संक्रामक अवस्था है। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि मनुष्यों के अंदर प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था संक्रामक होती है, तो क्या आंसर देना है, स्पोरोजोइट। नाम याद रखना है, स्पोरोजोइट। ओके, मनुष्य के रक्त में आधे एक घंटे में ये रक्त से कहां पर चला जाता है, लीवर में, यानी कि यकृत के अंदर।
तो ये जो स्पोरोजोइट है, ये स्पोरोजोइट यहां से रक्त से अब कहां पर आ गया, लीवर में, यानी कि यकृत में। यकृत में जब ये आएगा तो यकृत में ये शाइजोगोनी करेगा, शाइजोंट बनाएगा, यानी इसकी अगली अवस्था शाइजोंट होगी, शाइजोगोनी करेगा, द्विखंडन करेगा, विभाजन करेगा, अपनी संख्या में वृद्धि करेगा और क्रिप्टोजोइट बनाएगा। क्या बनाएगा? क्रिप्टोजोइट। तो पूछा जाए यकृत के अंदर कौन सी अवस्था मिलती है? क्रिप्टोजोइट। कौन सी अवस्था है यकृत के अंदर? क्रिप्टोजोइट। और यहां पर ये क्या कर रहा है यकृत के अंदर? भाई ये तो ब्लड में था, तो ब्लड में इसको क्या जरूरत पड़ गई कि मनुष्य के यकृत में आना पड़ा? तो याद रखना दोस्तों, हम जो खाना खाते हैं, हमारा जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो हम यकृत के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में संचित करते हैं। किस रूप में? ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। तो मनुष्य जो होते हैं या जंतु जो होते हैं, ये जंतु अपना जो भोजन होते हैं वो किस रूप में स्टोर करते हैं? कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करते हैं। तो हमारे यकृत में क्या जमा है? हमारा ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन यकृत में भी होता है और पेशियों में भी होता है। ग्लाइकोजन कहाँ पर स्टोर होता है? यकृत प्लस पेशी, यानी पेशियों में भी क्या पाया जाता है? ग्लाइकोजन पाया जाता है। तो आपको याद रखना, ये यकृत में है और पेशियों में है क्या? ग्लाइकोजन। उसी ग्लाइकोजन को खाने के लिए कौन आया है? ये प्लाज्मोडियम। ओके, प्लाज्मोडियम पहुंच चुका है। अब ये क्या करेगा? ये प्लाज्मोडियम उस ग्लाइकोजन को खाएगा और अन्य जो हमारे भोजन के स्रोत वहां पर है उनको खाएगा, उनको खाएगा, अपने आकार में वृद्धि करेगा, यानी यहां पर ये गुणन करेगा। क्या करेगा? ये गुणन, गुणन बोले तो इसकी संख्या बढ़ाएगा। यहां पर क्या करेगा यकृत में? ये गुणन, गुणन करेगा तो अपनी संख्या बढ़ाएगा। अब देखना, जब ये अपनी संख्या बढ़ा रहा है, अपनी संख्या को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। तो ये किस प्रकार से संख्या बढ़ाता है? ये एक से दो, दो से चार, इस तरह से आपने पढ़ा होगा ना अलैंगिक जनन किस तरह से होता है, अमीबा का देखा होगा छोटी क्लासों में, उसी तरह से करता है, एक से दो खंडों में विभाजित हो गया, द्विखंडन कर लेता है। तो ये इस तरह से अलैंगिक जनन कर करके अपनी संख्या बढ़ाता है, गुणन कर रहा है। तो ये किस तरह से जनन कर रहा है? यहाँ पर अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन कर रहा है। तो अलैंगिक तरीके से गुणन करता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था मनुष्यों के अंदर प्लाज्मोडियम किस प्रकार का जनन करता है? अलैंगिक जनन। अब समझ में आ रहा है अलैंगिक कैसे किया इसने? अलैंगिक कैसे किया इसने? क्या किया वहां पर? गुणन किया, अलैंगिक जनन किया। कहां पर? यकृत के अंदर। अब जब ये अलैंगिक जनन कर रहा है प्लस ये क्या कर रहा है? भोजन, हमारा जो स्टोर फूड है, हमारा जो संचित भोजन है वो कौन खा रहा है? ये प्लाज्मोडियम खा रहा है। ओके, और अपनी संख्या को बढ़ा रहा है। अब जब इसकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि मच्छर ने काटा होगा तो क्या 50-60 हज़ार थोड़ी भेज देंगे, थोड़े से भेजोगे, तो थोड़े से प्लाज्मोडियम शरीर में आए और यकृत में जाकर इन्होंने अपनी संख्या बढ़ा ली, लीवर में इनकी संख्या बढ़ गई, तो ये बहुत ज्यादा हो गए। जब ये बहुत ज्यादा हो जाएंगे, प्रभावी हो जाएंगे, उस समय ये यकृत से किसमें प्रवेश कर जाएंगे? आरबीसी के अंदर। हमारे ब्लड के अंदर क्या होती है? आरबीसी। तो यहां से किसमें प्रवेश कर जाएंगे? आरबीसी में। यकृत से भैया जी ये कहां पर आ गया? आरबीसी में, आरबीसी में आ गया। ओके, आरबीसी में आने के बाद क्या करता है? ये अपने इरिथ्रोसाइटिक साइकिल चलाता है। तो वो साइकिल को हमको डिटेल से नहीं पढ़ना होता है, क्योंकि वो तो मेडिकल लाइन की होती है, जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं उनके लिए वो डिटेल्स होती है, वहां से उनके लिए क्वेश्चन बनते हैं, अपने लिए वहां से क्वेश्चन नहीं बनते। और ये बहुत ही जटिल साइकिल होती है, इसको अपन छोड़ देते हैं, अपन बस इतना समझते हैं कहां पर आ गया? आरबीसी में। अब आपको ये तो पता है आरबीसी कैसी होती है? आरबीसी अगर आपने देख रखी हो तो आरबीसी उभय अवतलाकार होती है। कैसी होती है? उभय अवतलाकार। ये रही आरबीसी जैसे मैंने बना दी, ये उभय अवतलाकार इस तरह से। इस आरबीसी के अंदर क्या होता है? तो आपको याद होगा आरबीसी के अंदर क्या भरा होता है? हीमोग्लोबिन। इस आरबीसी के अंदर क्या मौजूद है? हीमोग्लोबिन। ये मैं एच बी लिख रहा हूँ, एच बी का मतलब क्या है? हीमोग्लोबिन। अगर आप हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर देखो तो ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो इसमें होता है हीमेटीन। क्या होता है? हीमेटीन, यानी Fe प्लस टू। और दूसरा होता है ग्लोबिन। ग्लोबिन दूसरी चीज क्या होती है? ग्लोबिन। 4% तो हीमेटीन होता है और 96% क्या होता है इसमें? ग्लोबिन। ग्लोबिन एक प्रोटीन है। ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन। तो ये जो प्लाज्मोडियम होगा ना, ये इस ग्लोबिन प्रोटीन को खा जाएगा। किसको खा जाएगा? ग्लोबिन प्रोटीन को। जब ये ग्लोबिन प्रोटीन को खा गया तो अब क्या बचा? केवल और केवल हीमेटीन, यानी Fe प्लस टू। तो आरबीसी में जब ये प्लाज्मोडियम आता है तो ये क्या करता है? ये आरबीसी में आने के बाद ग्लोबिन को खा जाता है, ग्लोबिन का पाचन कर देता है। तो आरबीसी में क्या बचा? हीमेटीन। अब जो हीमेटीन बचा ना, ये हीमेटीन क्या करता है? ये एक तरह से जहर का काम करता है। हीमेटीन एक प्रकार का जहर बना लेता है, जहरीली कणिकाएं बना लेता है, जिनको हीमोजोइन कहते हैं। अब ये जो आपका प्लाज्मोडियम का है, ये इस आरबीसी के अंदर मौजूद है। अब ये आरबीसी के अंदर सारे हीमोग्लोबिन खत्म हो गया, तो इस आरबीसी को फाड़ करके, रब करके बाहर निकल जाएगा। आरबीसी से कहाँ निकल जाएगा? बाहर। जब ये आरबीसी से बाहर निकलेगा तो ये दो प्रकार के युग्मक बना लेगा। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो बनाएगा मैक्रोगेमेटोसाइट और एक बनाएगा माइक्रोगेमेटोसाइट। तो दो प्रकार के युग्मक बन गए, मैक्रोगेमेटोसाइट, मैक्रोगेमेटोसाइट, और दूसरा कौन सा बन गया? माइक्रोगेमेटोसाइट, माइक्रोगेमेटोसाइट। तो दो प्रकार के इसने युग्मक बना लिए, मैक्रोगेमेटोसाइट और माइक्रोगेमेटोसाइट। मैक्रो, मैक्रो का मतलब बड़ा,
जो बड़ा युग्मक बनता है ये मादा की तरह व्यवहार करता है, किसकी तरह? मादा युग्मक की तरह। और जो छोटा बनता है ये नर युग्मक की तरह व्यवहार करता है। किसमें बन, किसमें से बन के निकले? आरबीसी में। अब एक और चीज सोचना, जब ये आरबीसी से बाहर निकले तो कैसे निकले होंगे? आरबीसी की झिल्ली को फाड़ा होगा। तो जैसे ही आरबीसी की झिल्ली को फाड़ते हैं तो जो विषाक्त कणिकाएं होती है ना, जो अभी बोला था हीमोजोइन कणिकाएं बनी, ये कणिकाएं रक्त में मुक्त हो जाती है। तो ये चीज क्या है? हीमोजोइन कणिकाएं। क्या है ये? हीमोजोइन कणिकाएं। जब ये हीमोजोइन कणिकाएं रक्त में मुक्त होगी उस समय क्या होगा? अचानक से ठंड लगेगी। क्या लगेगी? ठंड लगेगी। दूसरी, यहां पर कपकपी होगी। क्या होगी? कंपकपी। देखा ना मलेरिया में कपकपी होती है। तीसरा क्या, यहाँ पे बुखार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बुखार। तो आपने देखा होगा मलेरिया के अंदर आवर्तीय रूप से कपकपी होती है, ठंड लगती है, बुखार आती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो आप सोच सकते हो मलेरिया में जैसे 12 घंटे का अंतराल या 24 घंटे का अंतराल या 48 घंटे के अंतराल में आवर्तीय रूप से ऐसा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सारी आरबीसी को फाड़ करके ये जो प्लाज्मोडियम में बाहर निकलते हैं उस समय हीमोजोइन कणिकाएं मुक्त होती है। तो हीमोजोइन कणिकाओं की वजह से ठंड, कपकपी, बुखार ये देखने को मिलता है। लॉजिक समझ में आ गया? अब ये हीमोजोइन कणिकाएं तो रक्त में मुक्त हो गई। अब यहाँ पर इसके साथ साथ और क्या निकलते हैं? मैक्रोगेमेटोसाइट और माइक्रोगेमेटोसाइट। तो जो मैक्रोगेमेटोसाइट है मादा युग्मक की तरह व्यवहार करता है और माइक्रोगेमेटोसाइट नर युग्मक की तरह व्यवहार करता है। अब दोनों युग्मक तैयार है, मैक्रो माइक्रो, मादा नर, दुल्हा दुल्हन तैयार है, लेकिन यहाँ पर ये निषेचन नहीं कर सकते। अब क्या होगा? ये आदमी को तो मलेरिया हो गया है क्योंकि उसके अंदर सारे लक्षण प्रकट हो गए। अब इस आदमी को मलेरिया हो गया है तो इसको वापिस से कोई स्वस्थ मच्छर काट ले, चाहे मलेरिया का मच्छर काट ले, तो ये जो मैक्रो और माइक्रो मच्छर क्या करेगा? खून पिएगा। तो मैक्रो और माइक्रो वापिस से कहाँ चले जाएंगे? मच्छर के शरीर के अंदर। तो ये अगर मच्छर ने काटा तो ये मच्छर के शरीर के अंदर खून पिया, खून के साथ ये दोनों ही अंदर चले गए। जब ये खून के साथ अंदर चले गए तो दोनों क्या करेंगे? मिल जाएंगे, दोनों युग्मक मिल जाएंगे। अब ये दोनों युग्मक कहाँ पर मिलते हैं? ये दोनों युग्मक मच्छर के शरीर में मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? मच्छर के शरीर में। जब ये दोनों युग्मक मिल जाते हैं तो दोनों मिल करके एक हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं? निषेचन, फर्टिलाइजेशन। तो जब दोनों ही युग्मक मिल गए तो निषेचन या फर्टिलाइजेशन हो गया। अब जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? जाइगोट का। ये जाइगोट बन गया, ये जाइगोट आगे क्या बन जाएगा वापिस? स्पोरोजोइट अवस्था। कौन सी अवस्था बन जाएगी? ये स्पोरोजोइट। हालांकि मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ स्पोरोजोइट, लेकिन इसमें अलग अलग अवस्थाएं होती है। जाइगोट, ओकाइनेट, ओसिस्ट, स्पोरोजोइट, इस तरह से अलग अलग अवस्थाओं में बनते हैं। लेकिन आपने इतना डिटेल में नहीं घुसना, डायरेक्ट स्पोरोजोइट बना दिया। ये स्पोरोजोइट कहाँ पर जाएगा? मच्छर की आहार नाल में। कहाँ पर जाएगा ये? मच्छर की आहार नाल में। मच्छर की आहार नाल, आहार नाल में। मच्छर की आहार नाल से कहाँ पर जाएगा फिर ये? मच्छर की लार ग्रंथियों में। मच्छर की लार ग्रंथि, मच्छर की लार ग्रंथि में चला जाएगा। और जिस मच्छर की लार ग्रंथि में यह होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? संक्रमित मादा एनाफिलिन मच्छर। तो अब देखना, पूरा जीवन चक्र मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, देखना एक बार फिर से। यहां पर मच्छर के शरीर के अंदर क्या मौजूद है? प्लाज्मोडियम। मच्छर के शरीर के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद है तो यह संक्रमित मादा एनाफिलिन। इसने किसी स्वस्थ मनुष्य को काटा तो स्वस्थ मनुष्य के रक्त में क्या आ गया? प्लाज्मोडियम आ गया। इसकी कौन सी अवस्था है? स्पोरोजोइट अवस्था है। अब ये स्पोरोजोइट अवस्था कैसी है? संक्रामक अवस्था है। ये कहाँ पर चली जाती है? यकृत में। क्या बनाती है? क्रिप्टोजोइट। ओके, यहाँ पर क्या करते हैं? घुणन। घुणन कैसे? अलैंगिक जनन। और फिर क्या करते हैं? भोजन। फिर कहाँ पर आ जाते हैं? आरबीसी के अंदर। आरबीसी में किसका निर्माण होता है? मैक्रोगेमेटोसाइट का और माइक्रोगेमेटोसाइट का। मैक्रो और माइक्रो जब बाहर निकलते हैं उस समय आरबीसी से क्या निकलता है? हीमोजोइन कणिकाएं। इससे क्या लगता है? ठंड, कपकपी, बुखार। और ये मैक्रो और माइक्रो मिल जाते हैं, इस प्रक्रिया क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। निषेचन से क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट कहाँ पर जाता है? मच्छर की आहार नाल में। और यहाँ से फिर स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट कहाँ? मच्छर की आहार नाल में। फिर लार ग्रंथि में। और ऐसा मच्छर क्या होगा? संक्रमित मादा एनाफिलिन मच्छर। अब देखना, ये मैक्रो और माइक्रो बने कहाँ थे? मनुष्य के अंदर। तो यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है ये किसके अंदर पूरा हो रहा है? इधर वाला, ये तो मनुष्य में पूरा हो रहा है। किसमें? मनुष्य में। और इधर वाला हिस्सा किसमें पूरा हो रहा है? मच्छर में। पूछा जाए निषेचन कहाँ होता है, तो निषेचन मच्छर के शरीर के अंदर होता है, मच्छर की आहार नाल में होता है। ओके, ध्यान रखना। तो आपको पता चल रहा है इस प्लाज्मोडियम को अपना जीवन पूरा करने के लिए कितने पोषकों की आवश्यकता हुई? दो पोषकों की। इसलिए इसको कैसे बोलते हैं? द्विपोषदीय बोलते हैं, है ना? प्लाज्मोडियम कैसा होता है? द्विपोषदीय। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो पूछा था, मच्छर के अंदर कौन सा जनन होता है प्लाज्मोडियम का और मनुष्य के अंदर कौन सा होता है? तो देखना, यहाँ पर आप ये देख सकते हो कौन सा जनन कर रहा है? अलैंगिक। तो मनुष्य में कैसा जनन करता है? अलैंगिक जनन करता है। और मच्छर में कैसा जनन करता है? लैंगिक। क्योंकि देखो निषेचन हो रहा है, निषेचन होना क्या है? लैंगिक जनन। लैंगिक और अलैंगिक जनन में आप, वैसे तो मैं अलग से पढ़ाऊंगा रिप्रोडक्टिव वाले में, हाल फिलहाल ध्यान रखो कि जिसमें दो जनकों की आवश्यकता होती है, नर और मादा की, और दोनों युग्मक बनाते हैं तो वो लैंगिक जनन है। और जिसमें एक ही, एक से दो, दो से चार, इसे फचापच होता रहे, वो लैंगिक अलैंगिक जनन है। तो अलैंगिक जनन में एक होगा तो काम चल जाएगा। और लैंगिक जनन कितने होने चाहिए? दो होने चाहिए, मोटे मोटे तौर पर बता रहा हूँ, हालांकि डिटेल तो इसकी बहुत ही ज्यादा बड़ी है।
ये हो गया आपका प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र पूरा। आपको प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र समझ में आया? समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताना। आगे बढ़ते हैं प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र के बाद। प्लाज्मोडियम तो समझ में आ गया, इसका जीवन चक्र समझ में आ गया, मलेरिया समझ में आ गया, तो क्या करें? मलेरिया हो गया तो बेटर है, कोई इलाज भी तो होगा। बिल्कुल, इसके लिए अपन के पास उपचार भी है। क्या है उपचार? कुनेन या क्विनिन, वैसे तो क्विनिन बोलते हैं लेकिन अपने बोलचाल में अपन इसको कुनेन भी बोल देते हैं। तो मलेरिया के उपचार में क्या दिया जाता है? कुनेन। हालांकि कुनेन कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये पेड़ से, एक पेड़ की छाल से प्राप्त होती है, जिसका नाम क्या है? सिनकोना। क्या नाम है? सिनकोना। तो ये सिनकोना पादप से प्राप्त होती है। अब पूछा जाए सिनकोना पादप के कहाँ से प्राप्त होती है? फल से, फूल से, जड़ से, पत्ती से, तने से, कहाँ से? नहीं, ये सिनकोना प्लांट की छाल से। कहाँ से? सिनकोना प्लांट की छाल से प्राप्त होती है। क्या? कुनेन। ओके, अब ये सिनकोना कहाँ पर पाया जाता है? विशेष रूप से, मुख्य रूप से कहाँ का प्लांट है? तो सिनकोना के लिए याद रखना है मुख्य रूप से साउथ अफ्रीका का प्लांट है। कहाँ का है? साउथ अफ्रीका का। वहां पर ऐसा नहीं कि दूसरी जगह होता नहीं, दूसरी जगह भी होता है, लेकिन विशेष रूप से कहाँ का प्लांट है? ये अपने साउथ अफ्रीका का प्लांट है। ओके, तो ये आपको उपचार ध्यान रखना है। मलेरिया का उपचार क्या है? कुनेन। अच्छा, बाकी सबके भी मैंने बता दिए थे प्रोटोजोन के, वो भी आप वीडियो को अगर भूल गए हो तो पीछे जाकर वापस से देखना क्या चीज थी वो, दूसरों के उपचार कैसे कर रहे थे ना। इसके उपचार में अपन क्या देंगे? क्विनिन या कुनेन देंगे। ओके, हाँ, आगे उपचार तो हो गया, लेकिन इससे हमें एक बचाव भी तो करना जरूरी है। उपचार के अलावा बचाव भी तो जरूरी है। बचाव कैसे करेंगे मलेरिया का? मलेरिया के बचाव के लिए अपन क्या कर सकते हैं कि मलेरिया किसकी वजह से फैल रहा है? मच्छर की वजह से। तो अगर अपन मच्छर को रोक दें, उनके फैलाव को रोक दें, तो मलेरिया से भी बचा जा सकता है, और ऐसा करना भी चाहिए। अब देखना मच्छरों से कैसे बचाव करें। तो आपको सबको पता है मच्छर जो होता है ना, ये जहाँ पर पानी होता है रुका हुआ वहाँ पर पनपते हैं, तो कहीं पर रुका हुआ पानी नहीं रहना चाहिए ना। तो कहीं पर भी अगर आपके आसपास में गड्ढे भरे हुए हैं बरसात के मौसम में, या कहीं पर रुका हुआ पानी है, तो वहाँ पर उन गड्ढों को साफ कर देना चाहिए, वहाँ से पानी हटा देना चाहिए, वहाँ पर मिट्टी डाल देनी चाहिए, या कहीं आपकी नालियाँ वगैरह है जहाँ पर पानी बहुत रुका हुआ है, उन नालियों की सफाई करवा देनी चाहिए। ओके, दूसरा यह है ना, जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है उस जगह पर अगर आप उस पानी को हटा नहीं सकते, तो वहाँ पर केरोसिन या तेल का छिड़काव कर देना चाहिए। अब आप बोलोगे केरोसिन तेल का छिड़काव करने से क्या नुकसान है, इसे मच्छर को क्या लेना देना? मच्छर को क्या पता है केरोसिन या तेल इसे क्या है? तो देखना, इसके लिए एक राज की बात है। क्या? मच्छर जो होता है ना, ये अंडे देता है। ओके, कहाँ पर देता है? पानी की सतह, और इससे फिर प्यूपा, लार्वा, इस तरह से विकास होता है मच्छरों का पूरा। तो मच्छर का लार्वा बनता है। क्या बनता है? मच्छर का लार्वा। जैसे मान लो पानी है, इस पानी पर मच्छर ने अंडे दिए तो सतह पर, फिर इससे मच्छर का प्यूपा बनेगा, फिर लार्वा बनेगा, इस तरह से अलग अलग स्टेज आएगी। अगर अपन क्या करें, अपन इसके ऊपर केरोसिन डाल दें या फिर ऑयल डाल दें, कोई सा भी तेल डाल दें, तो आपको पता है वो तो पानी से हल्का होता है तेल, तो तेल तो पानी के ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पर ये तो ऑयल ऊपर आ जाएगा और वाटर कहाँ रह जाएगा? नीचे। तो वातावरण की जो ओटू है, वो ओटू इन अंडों को या इन लार्वा को नहीं मिल पाएगी, और ओटू नहीं मिल पाएगी तो इनका विकास नहीं होगा, चाहे अंडा होगा चाहे लार्वा होगा, आगे विकसित नहीं होंगे और इनकी मृत्यु हो जाएगी। आगे बात समझ में? तो पानी जो रुका हुआ होता है उसके ऊपर आप केरोसिन या तेल का छिड़काव कर सकते हो। अब आपके घरों में कूलर का पानी जैसे होता है, तो उसको डेली चेंज करना चाहिए, भरा हुआ, जैसे एक बार भरा हुआ आपने चेंज नहीं किया, बहुत टाइम से भरा पड़ा था, ऐसा नहीं रहना चाहिए, और पानी चेंज करना चाहिए। आपके घरों की छतों पर कहीं टायर वगैरह, कोई बाल्टी वगैरह ऐसा कुछ पड़ा है जिसमें पानी भरा हुआ है, उसको भी आपको ऐसा नहीं रखना चाहिए। हाँ, आगे आप जो भी सुझाव देना चाहते हो कमेंट करके, और सुझाव जो आपके ध्यान में हो सुझाव देना। अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें एग्जाम में नहीं पूछी जाती कि मलेरिया से कैसे बचना नहीं बचना। वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो SSC में पूछा गया था वो मैं आपको बताता हूँ, मलेरिया का जैविक नियंत्रण कैसे किया जाता है। तो देखना, मलेरिया का जैविक नियंत्रण करने के लिए, जैविक नियंत्रण क्या होता है? एक तो होता है रासायनिक नियंत्रण। रासायनिक का मतलब आप कीटनाशकों का छिड़काव वगैरह, ये जो छिड़काव करो जिससे कीट मर जाए, ये मच्छर वगैरह, तो वो तो रासायनिक है, तो कहीं ना कहीं प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, ये पारिस्थितिकी संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। एक होता है जैविक, जैविक वो जो दूसरी चीज़ों को नुकसान न पहुंचाए, पारिस्थितिकी संतुलन को डिस्टर्ब ना करें। तो जैविक नियंत्रण कैसे करते हैं? तो मलेरिया के जैविक नियंत्रण के लिए एक फिश को काम में लेते हैं। किसको? फिश को, मछली को। उस मछली का नाम है गेंबूसिया मछली। कौन सी? गेंबूसिया फिश या गेंबूसिया मछली। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट। मलेरिया का जैविक नियंत्रण कैसे किया जाता है? गेंबूसिया मछली, इसलिए मैंने इसको राज की बात बोली है। ये बबलू बना लो पास में ताकि ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट है। अभी गेंबूसिया मछली क्या करती है? ये गेंबूसिया मछली अगर आप पानी में पालते हो, तो उस पानी के अंदर अगर मच्छर के लार्वा है, तो ये मच्छर के लार्वा का भक्षण करती है। क्या करती है? मच्छर के लार्वा का भक्षण, मच्छर के लार्वा का भक्षण करती है। कौन? गेंबूसिया मछली। ओके, तो गेंबूसिया मछली मच्छर के लार्वा को खा जाएगी। मच्छर को खा रही है क्या? और किसी जीव को नुकसान पहुंचा रही है क्या? नहीं, तो इसका भी पेट भर रहा है, तो पारिस्थितिकी संतुलन किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं होगा। तो हमें जैविक नियंत्रण के लिए गेंबूसिया मछली को तालाब वगैरह में इनमें डाल देना चाहिए, ताकि मच्छर के लार्वा का भक्षण करे, वहां से मच्छर पनप के ना आए। ये तो हो गई आज तक की बातें। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना मेरे को। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्वेश्चन ये,
कि अभी मैंने बोला ना जैसे मच्छर है, मच्छर ने काटा तो मनुष्य के अंदर प्लाज्मोडियम आ गया, मनुष्य बीमार हो गया, चलो सही बात है। अब सोचने में ये आता है कि काट कौन रहा है, मच्छर मनुष्य को काट रहा है कि मनुष्य जा जाके मच्छर को काट रहा है, मच्छर काट रहा है ना, अपन थोड़ी मच्छर को काट रहे हैं। तो मच्छर तो काट क्यों रहा है, खून पी रहा है अपना, मच्छर अपना खून पी रहा है तो अपने अंदर से कुछ ले रहा है। तो अपन यूं क्यों कह रहे कि उसका प्लाज्मोडियम अपने अंदर आ गया, अपने अंदर का उसके अंदर जा रहा हो तो समझ में आ रहा है, लेकिन उसका अपने अंदर कैसे आ रहा है? तो देखना इसके पीछे क्या वजह है, समझना। ये जो जीव होते हैं ना, ये प्रकृति ने हर जीव को बहुत ही एडवांस बनाया है। तो ये जीव अगर हमारा खून पीते हैं तो आपको पता है हमारा खून हमारे शरीर से बाहर निकलते ही क्लॉट हो जाता है, थक्का बन जाता है। तो अगर हमारा शरीर, हमारे शरीर से खून जो है हमारे शरीर से बाहर निकला, मच्छर ने पिया, मच्छर के अंदर ही जम गया, तो मच्छर की भी तो डेथ हो जाएगी। हमारा खून जहाँ जहाँ भी उसके शरीर में होगा सारा क्लॉट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, मच्छर क्या करता, खून पीने से पहले अपना प्रतिस्कंदक पदार्थ हमारे खून में मिला देता है ताकि हमारा खून उसके शरीर में जमे ना। तो मच्छर पहले अपनी लार हमारे शरीर में छोड़ता है। आपने देखो मच्छर काटता है बहुत बार तो आपके वो सूज जाता है थोड़ा सा, है ना, इस तरह से कुछ हो जाता है, खुजली होती, लाल लाल हो जाता है। जो वो क्यों होता है, क्योंकि मच्छर ने अपनी लार आपके शरीर में डाली, उसकी वजह से ऐसा हुआ। अब लार में क्या होता है, इसकी खून में प्रतिस्कंदक पदार्थ पाया जाता है। मच्छर की खून, मच्छर की लार में कौन सा प्रतिस्कंदक पदार्थ होता है, मस्किटीन पाया जाता है। तो इस मस्किटीन की वजह से इसने लार डाली, इसकी वजह से प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में आया। ओके, और हमारा प्लाज्मोडियम अगर हम बीमार है तो हमारा इसके पास कैसे गया, तो वैसे ही आरबीसी वगैरह का खून को चूस रहा है तो आरबीसी के थ्रू चला जाता है। ओके, आपको लॉजिक अच्छा लगे, आपको इन चैप्टर से संबंधित कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।